दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लोगों में इतना ज्यादा उत्साह रहा कि पूरे दिन ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री ट्रेंड करता रहा। अखिलेश यादव के 50वें जन्मदिन पर प्रयागराज में अखिलेश यादव की 50 फीट की प्रतिमा बनाकर रक्षा मंत्री यादव, सुनील ठेमका और प्रयागराज के सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने 50 किलो का केक काटकर जन्मदिन मनाया। दूसरी तरफ गंगा किनारे ही साधु संतों की नगरी हरिद्वार में भी महंत शुभम गिरी महाराज ने भी दर्जनों साधु संतों के साथ केक काटकर मंत्रोच्चार के साथ अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन मनाया। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव के 50वें जन्मदिन पर 50 सेकंड तक शीर्षासन करके उनको जन्मदिन की बधाई दी। विचित्र है, लेकिन ये भी अखिलेश यादव को बधाई देने के तरीके का एक चित्र है। अखिलेश यादव बाराबंकी में थे तो रास्ते में उनको बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अखिलेश यादव सर्वसुलभ नेता हैं, अपने जन्मदिन पर भी वो लोगों के बीच में ही थे। जब वो लखनऊ पहुंचे तो सपा की सबसे युवा और ब्रांड नेता पूजा शुक्ला ने भी कार्यालय जाकर अखिलेश यादव को बधाई दी। पूजा शुक्ला ने रथ में अखिलेश यादव के साथ अपनी मौजूदगी वाली तस्वीर साझा की, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। सपा कार्यालय में लोहिया सभागार में संजय लाल यादव ने यूपी को अखिलेश पसंद है नाम का गीत गाया। धरती पुत्र मुलायम सिंह को, धरती पुत्र मुलायम सिंह को पूरा भारत देश पसंद है। विकास दिशा भी टिम्पल भाभी, विकास दिशा भी टिम्पल भाभी को अखिलेश का देश पसंद है। इसी तरह से राजपाल कश्यप, सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के बनवाए गए गोमती रिवर फ्रंट पर 50वें जन्मदिन पर 50 पेड़ लगाए। उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के जन्मदिन पर लाखों करोड़ों फोटोएं डाली, लाखों करोड़ों रील्स और लाखों करोड़ों शॉर्ट्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तैरते नजर आए। जौनपुर में गोमती नदी के तट पर बसे मोहिद्दीनपुर में अखिलेश यादव के चहेते युवा नेता और समाजवादी पार्टी कुटिया चलाने वाले ऋषि यादव ने भी अपनी कुटिया के बच्चों के साथ मिलकर अखिलेश यादव के 50वें जन्मदिन पर 50 पेड़ लगाए। अखिलेश का जन्मदिन पूरे दिन समाजवादियों ने उत्सव की तरह मनाया। दोस्तों, आप ये वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं। भारत एक सोच को, समाज की सोच को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।